चमत्कारी पत्थर है। सो गाइस बहुत चमत्कारी पत्थर है, इसके अंदर बहुत सारे जैसे बोलते हैं, तो ये पत्थर बहुत ही बड़ा है, ऐसी है ऐसी खड़ा है, इस पर कई लोगों की कई मान्यता है, सरप्राइज है। सो गाइस आप सबको स्वागत है मेरा मॉर्निंग ब्लॉग में। सो गाइस ये मॉर्निंग में देखिए ये कंडीशन है, अभी वेदर कंडीशन इज गुड बट जो फॉग का जो हाल है बड़ा बुरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग लगा है। यू नो कोहरा इसको बोलते हैं, कोहरे की लगभग चारों तरफ चादर लगी हुई है, किसी को ज़्यादा दूर तक हम देख नहीं सकते कि क्या है, सो क्या नहीं है कंडीशन। सो आपको चारों ओर कोहरे की चादर दिखेगी, ऐसा लग रहा है मानो पूरी जो दृश्य है वो जो ये है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर इस पर बिछा दी गई है, और बहुत ही मस्त और एकदम बहुत लाजवाब सी लग रही है। इसको देखोगे तो दिल मनमोहक हो जाएगा। इस मैं देखिए मैं मॉर्निंग पे आया हूँ, तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा यहाँ को हो रहा है। अभी जस्ट 6:55 अप्रॉक्स 7 o'clock का टाइम है मॉर्निंग में, तो देख सकते हैं गाइस ये वेदर आज का डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड मैं देखने को थोड़ा मिल रहा है। मैं मेरे प्लेस गांव से गया हूँ, तो आपको दृश्य एक मस्त है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, आप लोग कैसे हैं? सो गाइस आज मॉर्निंग पे देख सकते हैं आपकी इर्द गिर्द हमें पूरा कोहरा ही कोहरा है, बहुत ही अल्टीमेट जो दृश्य मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, और लेकिन ये सब कोहरे के कारण हो रहा है। फॉग, यू नो फॉग, फॉग इज लॉट्स ऑफ ऑल द वे, देख सकते हैं आप कहीं भी पेड़ भी थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, बट कोहरा लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बारिश भी हो रही है, लेकिन थोड़ा कोहरे में पानी जो है उड़ते हुए आता है, और थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है, बट मैं टी शर्ट पे हूँ, डोंट माइंड, बहुत बढ़िया मौसम है, और इस मौसम में भी बहुत अच्छी एक नज़ाकत है यहाँ पर गाइस, देखिए तो ये एकदम अलग ही मोमेंट है, वंडरफुल मोमेंट है। इस मोमेंट का भी गाइस मज़ा लेना हमको चाहिए, सेवन वन टाइम अपॉर्चुनिटी वन टाइम नॉक, तो जीवन वन टाइम मिलता है, बट हमको ऑल द वेदर जो ऑल वेदर का टेस्ट लेना चाहिए, तो वो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा सो अमेजिंग है, और एकदम इनर कॉन्शियस है, सो मतलब आत्मीयता से जुड़ा है नेचर, नेचर से हमें क्या है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो मैं भी अब थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। अल्टीमेट जो है मौसम की नज़ाकत बहुत मस्त है, और मैं आज ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कल मैं बहुत लेट गया था घर, तो ज़्यादा कुछ मैंने आपको ब्लॉग पे दिखाने वाला खाली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। मैं अब बाय वे जा रहा हूँ गाइस, पैदल मार्ग से, सो अल्टीमेट है वंडरफुल। आई होप आप सभी को जो ये टाइम है मॉर्निंग का, वो टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि क्या है कि हम लोग बहुत देर तक सोते हैं,
पहले मैं भी सोता था गाइस, तो अब तो मैं लगभग लगभग मॉर्निंग पे जाता ही हूँ। अगर कुछ दिन नहीं गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग पे जाने के बाद गाइस हमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए एक चिड़िया तितली करके कुछ आवाज़ एक दूसरे को वो लोग इंडिकेट कर रहे हैं, हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी, मतलब उसको हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तीतर। वो ये देखिए वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, दिस इज़ द कॉलिंग, इंटरफेसिंग द कॉलिंग है उनकी, कनेक्टिविटी है गाइस ये कि मैं यहाँ पर रहूँ ठीक हूँ। तो बर्ड्स आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये एक अल्टीमेट वॉइस है, ये आपको यही सुनने को मिल सकती है गाइस गाँव पे, ये शहरों में नहीं मिलेगा आपको। कितना शांत है, देखिए कितना शांत है, दूर दूर तक यहाँ पर कहीं पर आपको घर नहीं मिलेगा, ना कहीं पर आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। बट जो ये ओ माय गॉड एक ठीठा मिल गया गाइस, ये देखिए इसकी जो बनावट है वो बहुत ही मस्त है। तो इस पे लगते हैं गाइस, मुझे रास्ते पे मिला ही गिरा हुआ था, इस पे लगते हैं गाइस ना स्यूते, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, स्यूते लगते हैं। इसका पेड़ का नाम होता है चीड़, ये चीड़ पे लगते हैं गाइस, चीड़ आपको दिख रहा है, ये चीड़ है, इस पे लगता है और इसके अंदर होते हैं छोटे 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 बहुत सारे, जितने इसके कॉलम दिख रहे हैं हर कॉलम में एक एक दो दो सूते होते हैं, तो वो बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट होता है। तो वो अब जाड़ों के टाइम में होते हैं, अब खाएंगे, अभी तो ये पुराना है गिरा हुआ था तो इस पे कुछ है नहीं, क्योंकि अब जाड़ों में लास्ट कुछ टाइम के बाद सूते हो जाएंगे तो वो खाएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, वो पक्का मैं जब आऊंगा आपको उस टाइम जाड़ूंगा, धीरे धीरे वो टाइम आने वाला है और सूते भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे, आप भी सब शायद आप भी सोचेंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन देखना चाहिए, बहुत मस्त चीज़ है और बहुत ही इसका टेस्ट एकदम ऐसा है कि बाय द वे इसका टेस्ट ज़्यादा अमाउंट में अगर ये मिल गया तो इसका हम खीर भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टफुल होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खाने में ही बहुत टेस्ट होता है मेहमान बहुत ज़्यादा। तो गाइज ये था ठीठा, ये चीड़ के पेड़ पे लगता है, उसमें लगते हैं स्योते, स्योते हम लोग खाते हैं मस्त तरीके से, वो होते हैं बहुत टेस्टी। तो गाइज अब इसको यहीं पर फेंक देते हैं, सो अमेजिंग, मिलते हैं दूसरी बार, इसमें आपको दूसरा चीज़ दिखाएंगे। सो गाइस ये जो सीन्स हैं, ये जो व्यूज़ हैं आपको देखने को मिल रहे हैं मॉर्निंग पे, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस दृश्य को कभी ना भूलो यार, बहुत ज़्यादा कोरा है, बहुत ही ज़्यादा एकदम लाजवाब सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं जो है निकल चुका हूँ, लगभग मुझे अल्मोड़ा वाई वे फूट जाना है और साथ में कनेक्टिविटी को भी जारी रखना है, आपके ये वीडियो भी ब्लॉग भी बनाना है साथ साथ। सो गाइस कैमरा हिलेगा बट ज़्यादा नहीं हिलेगा, थोड़ा बहुत, तो बहुत मस्त आपको देखने को मिलेगा, वाव अमेजिंग। देखिए गाइस यहाँ पर कितनी बड़ी झाड़ी है, बहुत मस्त है, एकदम मोटी, बहुत मोटी झाड़ी है, बहुत प्यारी प्यारी झाड़ी है, फूल भी हैं और ये जंगली फूल है, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा है और कितना बढ़िया है यार, कितना बढ़िया लाजवाब है। जंगल में ना थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी, तो सारा ऐसा डर लगता है क्योंकि जंगल है, देखो चारों तरफ जंगल है तो डर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ आ ना जाए। सो क्या है कि मैं तो चलता रहता हूँ
और आप लोगों का प्यार है और हर जगह थोड़ा मस्त तरीके में रहता हूँ। तो जंगल आप अमूमन यार, अब अगर जंगल है और कोहरा भी है और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, सरप्राइज अचानक से कुछ आ जाता आगे से, ओह माय गॉड दिस इज ए, ये बिल्कुल सरप्राइज होगा। देखिए देखिए, आपको मैं आगे का भी सीन दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा है और रास्ते में कोई भी नहीं चल रहा है, सिर्फ मैं चल रहा हूँ बस, बहुत ज़्यादा कोहरा है। सो, ये भी एक बहुत मस्त टाइम है गाइस। देखिए, सपोज दैट गाइस, इस रास्ते में चलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट थोड़ा थोड़ा हैबिट होने से क्या होता है गाइस, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। हौसले बुलंद होने चाहिए, हौसलों पर तो बुलंद हो तो आदमी यार कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो चाहे कोहरा हो, जंगल हो, सो वो मैटर करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है। तो वो एक ऐसा वो है ना, मस्त तरीके से। सो गाइज, ये जो सामने लगे हैं ना, ये इसको इसलिए लगाते हैं कि जानवर ना आए, और रात को सुअर आता है, सुअर भी ना आए इन खेतों में खाने के लिए, उजाड़ कर देते हैं, वो खा जाते हैं सब कुछ। तो इसलिए इसको लगा रखा, देखिए बड़े मस्त है, ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है, और ये देखिए बहुत ही बिंदास है, ऐसा लग रहा है कोई इस पर खड़ा है। ये देखिए 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 गाइस, आफ्टर ऑल गाइज मैं गांव पे खेत में आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे मिर्च बीननी है, ये खेत है हमारा गाइज। देखिए हल्दी भी है, इसमें मिर्च उगी है, मिर्च तोड़नी है, बीननी है। तो आफ्टर ऑल देखिए, मुझे आज मिर्च फिर से तोड़ने के लिए आया हूँ मैं दोबारा से इस खेत में। खेत है हमारा और इधर घर है आपस में, ये गाँव का मस्त एकदम मस्त व्यू है। उधर पेड़ है प्यारा सा, और ये जो सामने लगे हैं ये तो मैंने बताया कि आपको इसलिए लगाए जाते हैं कि जानवर ना आए। तो मुझे मिर्च तोड़ना शुरू करना है धीरे धीरे, तो तोड़ता हूँ मिर्च। आफ्टर ऑल देखिए गाइस, मिर्च तोड़ी, ये देखिए गाइस मैंने ये मिर्च तोड़ दी, अब इतनी सारी मिर्च तोड़ दी है और इतनी बच गई है। देखिए सो गाइस, ये है लीसा, इसको बोलते हैं वैसे तो गोंद बोलते हैं, गोंद इससे निकलता है ये, इसको हम किसी चीज़ से, ये देखिए गाइस चिपका भी सकते हैं इसको, ये उसी चीड़ के पेड़ पे निकलता है। सो ये बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो हम गम वगैरह कई चीज़ें बनती है बहुत सारी चिपकाने के लिए। तो ये है हमारा गोंद कहेंगे इसको,
लाइक दैट, बहुत मस्त है एकदम। ये ऐसे निकल रहा है गाइस, ये निकला 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 और ये इसमें चला गया, इसमें थोड़ा। ओ भाई गॉड, ये तो बिल्कुल पिघला हुआ है, मेरे हाथ में लग गया है बहुत ज़्यादा, और बहुत मस्त है एकदम। गोंद पूरा ये चिपकने लग गया गाइस बहुत ज़्यादा। गोंद भी इतने सारे सारे पेड़ों पर लगा रखा है, ये क्या है कि इसका निकलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट पर। जब ये निकलता है तो इधर से गाड़ी में भर के जाता है, और क्या है, कई लोगों को इससे रोज़गार मिलता है गाइस। चीड़ इतना ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस पर लगभग जब 200-400 का टीन इस पर हो जाता है, पूरे जंगल से इकट्ठा किया जाता है, हर पेड़ में एक एक होता है ये, तो वो जब कलेक्ट किया जाता है पूरे पेड़ों से तो बनता है पूरी गाड़ी, तो तब जाता है गाइस ये, और इससे बनता है बहुत सारी जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें इसमें बनती हैं, और ये एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका जुड़ाव है पेड़ों का। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्हीं पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं गाइस, इन्हीं से हमें मकान बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी लकड़ियाँ मिलती हैं, और जलाने के लिए भी, और साथ में ये कई चीज़ें इससे आप प्रोडक्शन किया जाता है, और जो हमारे लाइफ में यूज़ किया जाता है, और जिसे कंपनी में जाके मॉडिफाई करके कुछ नई चीज़ इससे बनाई जाती है जो मार्केट में उतरती है और हमारे काम आती है। अल्टीमेट ये तो था गाइस, चील के पेड़ों से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें इससे बन सकती हैं, वो हमने थोड़ा बहुत आपको इस ब्लॉग पे बताया। तो चलते हैं गाइस आगे, देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड गाइस, मैं पहुंच चुका हूं काफ़ी दूर, और थोड़ी ही दूर देर बाद मैं नदी पे पहुंचने वाला हूं, और मेरी जो चाल है वो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि मैं एज मैन यंगमैन की तरह चल रहा हूं अभी। यार यंगमैन तो हुई बट आदत नहीं रहती ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा चलते कम हैं, ज़्यादातर कंफर्ट इस सिचुएशन में रहते हैं, तो मार्केट में थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन 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 हम जो है थोड़ा अपनी हैबिट को बनाए हुए हैं, ऊपर वाले की जो ताकत है, स्पिरिचुअल है, उसकी वजह से हमें ताकत मिल जाती है गाइस। और हम देखो मॉर्निंग में कितनी ताजगी है गाइस, देखिए बहुत ताजगी है, और मुझे भी देखिए अब लग रहा होगा आपको ताजगी है नहीं है, ये जो है बहुत मस्त ताजगी। यहाँ पर भी गाइस ये देखिए, ये कितना ज़्यादा इसमें वो है, देखिए गौत इससे निकला हुआ है, लीसा बोलते हैं इसको पहाड़ी में, और वैसे गौत बोलते हैं, ये बनता है फैक्ट्री में जाता है गाइस, देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। सो हम अब आगे चलेंगे, देखिए गाइस इतने बड़े यहाँ पर स्टोन्स भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हैं, आपको बिग स्टोन्स मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। बिग स्टोन्स जो है बहुत बड़ा भी स्टोन है गाइस, तो वो आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सो मस्तली यार, बहुत मस्त मस्त है वहाँ पर, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वीडियोस शूट कर ही लूँ और एक हाथ डीप ले लूँ, ऐसा मतलब वो बिग स्टोन है, मैं आपको वो बिग स्टोन ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन अब थोड़ा कोहरा है, लगभग थोड़ा छटा है, यहाँ पेड़ है तो वैसे यहाँ पर कम दिख रहा है, दूर तक आपको दिखने को मिल रहा है, लेकिन कोहरा है, नदी है ना नीचे गाइस, नदी में तो अल्टीमेट ज़्यादा से ज़्यादा कोहरा होगा, वो कोहरा बहुत ज़्यादा है, उसको देखने में बड़ा मज़ा आएगा गाइस। चलते हैं नदी के पास, तो आपको दिखाते हैं गाइस वहाँ का जो कैसा कैसा वो है, तो मस्त तरीके का जो व्यू है नदी का आपको दिखाएंगे, और फिसलने वाला भी होगा गाइस, क्योंकि इस पर इस बीच बरसात हुई थी, तो स्केट कर रहे हैं जूते, वो देखिए मैं इतनी ढलान पे चढ़ रहा हूँ, चल उतर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेट है गाइस, तो फिसलने का तो बनता ही है, थोड़ा बहुत हम फिसल भी सकते हैं, लेकिन गाइस आज तो मेरा मॉर्निंग वॉक इसी से हो गया गाइस, ये देखिए तो बहुत मस्त तरीके से ये हमारा जो
ब्लॉग है वो आएगा, उसको हम आपको ब्लॉग में। और तो क्या है गाइस यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो है सो अमेजिंग गाइस, ये भी एक एरिया संदिग्ध एरिया है गाइस, यहाँ पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं और डर भी लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा है यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और जंगल ही जंगल है, बीच में दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं है, तो डर तो लगना बनता है यार, थोड़ा डर तो बनता है, डरना जरूरी है क्योंकि इंसान डरेगा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। कुल मिला के हमें नेचर से तो डरना ही चाहिए, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है भाई, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं नेचर से, और बहुत ही मतलब एक ऐसी, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, नेचर तो एक ऐसी चीज़ है गाइस। सो गाइस मैं पहुंच चुका मंदिर के पास, ये है मंदिर देवी माँ का, अब इससे नीचे आने वाली है नदी, मैं नदी को दिखाऊंगा आपको, नदी दिखाने वाला हूँ गाइस नीचे। माँ को प्रणाम, जय माँ देवी, जय माँ देवी, जय माँ देवी, जय माँ। जय श्री राम तेरे हैं क्या सिख्या ये दीवाने हम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओ राम राम रामे राम, राम राम राम। सो गाइस देखिए अब मैं आपको उस बिग स्टोन के पास ले जाने वाला हूँ जो बहुत बड़ा है, एक मंदिर उधर भी है गाइस जंगल में, वो नीचे देखिए ऐसे टेंपल्स गॉड के मस्त मस्त देखने को मिलेंगे, जय माँ। और देखिए गाइस मैं आपको बोल रहा था ना गाइस कि क्या करते हैं ये जो गौत होता है इसको किस में रखते हैं। सो गाइस ये गौत है, जैसे इसमें इकट्ठा हो गया तो इसको किस में रखते हैं, इन्होंने यहाँ पर रखे हैं, तो ऐसे इसको टीम तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद गाइस इसको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यह है गौत, देखिए इसमें दिख रहा है ये भरा हुआ है गौत से। सो मैं गाइस सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूँ वो बिग स्टोन, ये है वो बिग स्टोन गाइस, ये बिग स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है गाइस, ये देखिए, ओ माय गॉड, इसको देखने को मन कर रहा है गाइस, ये गाइस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है गाइस, देखो अल्टीमेट है गाइस, बहुत मस्त है बिग स्टोन, ये देखिए गाइस ये बिग स्टोन है, बहुत मस्त, बहुत ही मस्त है, किसी ने इस पे अपना नाम भी लिखा है गाइस, तो ये कई वर्षों से, कई सौ साल से ऐसे ही खड़ा है, हमारे पुराने जो कई जो लोग हैं वो बताते हैं कि कई सौ साल से ऐसे ही खड़ा है, और इसमें कई चीज़ें हैं बोलते हैं वो, कोई लोग बोलता है चमत्कारी पत्थर है। सो गाइस बहुत चमत्कारी पत्थर है, इसके अंदर बहुत सारे ज्वेल्स कहने का मतलब है ज्वेलरी जिससे बनती है वो चीज़ें इसमें धातुज हैं बोलते हैं, तो ये पत्थर बहुत ही बड़ा है, ऐसी है ऐसी खड़ा है, इस पे कई लोगों की कई मान्यताएं हैं, सरप्राइज है गाइस, तो ऐसे पत्थर बहुत कम देखने को मिलेंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे पत्थर ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन उस पत्थर की बात कुछ और है, वो बहुत बड़ा है गाइस, वो अभी भी यहाँ से दिख रहा है, उसका जो आकार है गाइस अल्टीमेट है, ये इसको देख के ही लगता है कि ये चमत्कारी पत्थर है, और इतना बड़ा जंगल है गाइस यहाँ कहीं पत्थर नहीं है, छोटा छोटे होंगे लेकिन इतना बड़ा स्टोन कहीं नहीं है, इस स्टोन को चमत्कारी सरप्राइज, इसमें देवताओं का वास भी बताया जाता है थोड़ा थोड़ा,
तो ये बहुत ही अल्टीमेट पत्थर है गाइस। सो गाइस मैं अब पहुंच चुका हूँ नीचे वाले गांव कुनूड़ा में, ये नदी वाला गांव जो नदी वाले गांव में पहुंचने वाला हूँ। अब इसके नीचे है नदी, मैं आपको नदी दिखाऊंगा गाइस, बहुत मस्त नदी है जो बहती है विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ नदी, जिस नदी में कई लोगों की कई मान्यताएं हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग पे। और ये है यहाँ की गाइस, एक चीज़ देखा अपने गांव में जो है, घर अलग अलग होते हैं, रिलैक्सली रहते हैं यहाँ लोग, बहुत ही मतलब माइंड फ्री। शहरों में क्या होता है, कंसंस्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से जुड़े होंगे, छतों से छतें सटी होंगी, तो यहाँ पर आपको अकेले में आपको घर देखने को मिलेंगे। ये देखिए अकेले बिल्कुल, सो सबके घर अकेले हैं ये, और ये लोग बहुत शांति से रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। हेलो डॉगी मिल गया, डॉगी 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 डॉगी, ये देखिए डॉगी है, डॉगी 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 डॉगी, हेलो डॉगी, बहुत मस्त है, हेलो हेलो, लुलु लुलु अले लुलु। तो गाइस देखिए कैसे कैसे जगह छोटे छोटे कलमट्स बने हैं, धर्मशालाएं बने हैं, और ये नदी किनारे बना है, देखिए क्या मस्त जगह है, बहुत बहुत ही मस्त जगह गाइस, एकदम शांत, और बहुत नदी की बस आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी कल 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 कल, सो नदी अपने सुर में बही जा रही है, देख सकते हैं आप। इस बीच गाइस पानी थोड़ा नदी पे बढ़ा है क्योंकि बरसात लगभग लगभग बरसात का लास्ट निचोड़ चल रहा है, और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी इस बीच, तो हल्का हल्का बारिश का जो है वो दिख रहा है कि बारिश। ये देखिए गाइस पुराने मकान गांव लोग खाली करके चले गए हैं, कई लोग शहरों में बस गए हैं और मकान खंडर होने की स्थिति में आ गए हैं, ऐसी स्थिति हो रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, और ये पुराने टाइम के बने हुए मकान हैं, इन मकानों की जो जीर्ण छीर्ण अवस्था है, बहुत बहुत जीर्ण छीर्ण अवस्था में, लेकिन इनका जो लुक है बहुत मस्त है गाइस, एकदम जो जो इनका जो इसमें पत्थर लगे हैं बहुत मस्त लगे हैं, पटाल बोलते हैं गाइस, पटाल छत है ये, बहुत मस्त लग रही है एकदम, देखिए। और ये जीर्ण छीर्ण अवस्था में इधर थोड़ा सा मेंटेन रखा है, और ये न्यू मॉडर्न में बन गए हैं, लेकिन गाँव में ज़्यादातर ऐसे मकान ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए गाइस बहुत छीर्ण वीर्ण अवस्था है, टूट चुका है, लेकिन किसी को कोई होश नहीं है। और मैं पहुंच चुका हूं गाइस अल्टीमेटली नदी के पास, और अब मुझे नदी क्रॉस करनी है, वहां पर बह रहा है पानी, तो देखिए वहां से तो मेरा जूता है भीग जाएगा, अब मुझे ये पटाल क्रॉस करके जानी है और यहां से छलांग मार के उधर जाना है। और ये देखिए गाइस मैं इधर गया, सो ओह माय गॉड अभी भीग गया था, बच गया, तो यहाँ से हमें यहाँ चले जाना है, उसके बाद गाइस यहाँ, और मैंने नदी क्रॉस कर ली है मस्त तरीके से, पानी अपने बहुत तीव्र गति में बह रहा है, ये छोटी नदी है गाइस, अब हम चलते हैं बड़ी नदी की ओर। सो गाइस हम करते हैं रुख अब बड़ी नदी की ओर, यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, ये घास बड़े बड़े घास के पेड़ हो रखे हैं, ये बरसात में होता ही ऐसा, खेतों में भी बहुत ज़्यादा है, खेतों में भी मडुआ हो रखा है, देखिए गाइस मडुआ बहुत मस्त हो रखा है, अभी ये तोड़ा नहीं है इन लोगों ने, काटा नहीं है मतलब,
और पूरे चट्टान ही चट्टान दिख रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं गाइस। लेकिन वो वाला स्टोन कुछ अलग था इन सब से, जो गाइस मैंने आपको दिखाया था करामाती पत्थर तो अलग था। और यहाँ पत्थरों का जो ये जखीरा है, ओ माय गॉड, पत्थरों का बड़ा बड़ा जखीरा देखने को मिलेगा गाइस आपको। तो ऐसे में क्या है ना गाइस, यहाँ पर है बाघ वगैरह भी छुपा रहता है और थोड़ा बहुत डर भी लगता है, और फिर भी हम लोग आ जाते हैं। तो कोई रिस्क टेकिंग लाइफ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए पहाड़ का जो दृश्य है एकदम मस्त है गाइस। चल भी रहा हूँ सो ब्लॉग भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा कैमरा हिलेगा, तो डोंट माइंड गाइस, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगा, ऐसा नहीं कि एकदम रॉन्ग। तो अमेजिंग वो गाइस उधर देखिए गाइस, ये जो मस्त मॉर्निंग का व्यू है, उधर नदी के थोड़ी दूर हूँ मैं गाइस, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, उधर नदी बह रही है अभी सोमनाथ नदी अपने मस्त धुन में, और अब नदी के थोड़े ही करीब हूँ। शानदार बहुत शानदार गाइस। अभी यार इतने बड़े रास्ते में एक भी बंदा मुझे नहीं मिला गाइस, लगा लो इतना साइलेंट हो गया, लोग मतलब रास्ते में चलना ही नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ सबको गाड़ी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही चलना एक भी बंदा गाइस मुझे चलते हुए नहीं मिला इस रास्ते में अभी तक, एकदम सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर होगा गाइस लगभग, और अभी तक मुझे कोई भी बंदा इस रास्ते पे चलता हुआ नहीं दिखा, और स्वाभाविक है यार गाइस अकेले में थोड़ा सस्पेंस रहता ही है, जंगल है पूरा इतना घना जंगल है, उसके बीच से निकलना है और तो होता है यू नो, जब हम घर से बाहर अंधेरे में निकलते हैं तो तभी कितना ज़्यादा थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है यार, अंधेरा है कैसे बाहर जाए, तो ये तो कुछ अलग ही बात है। लेकिन जो भी है गाइस कुल मिला के मस्त है। ओ माय गॉड, नदी का वाइट वहां पर गाइस ऐसा दिख रहा है, देखिए एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पर पानी ऐसे गिर रहा है मानो मोतियां गिर रहे हैं, मोती गिर रही है ऐसा लग रहा है, वाओ अमेजिंग गाइस। नीचे देखिए तो जहाँ पानी का जो थोड़ा ऐसे बहाव है वो तेज है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा कि मोती गिर रही है आपस नीचे को, वाओ क्या जबरदस्त ये घास उगा रखी है। सो गाइस अब पुल क्रॉस करना है, मैं पुल भी बहुत एकदम मस्त व्यू दिख रहा पुल का भी, और नदी अपने जोरदार उसमें बही जा रही है। कितनी सुंदर इसमें घास उगी है और उसमें प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, और नीचे घास भी उगी है। ये पुल का बाहरी किनारा है जिसमें पूरी जान है, पुल की मजबूती है गाइस।
एटलीस्ट गाइज मैं मंदिर के पास पहुंच चुका हूँ। यह गुरुदेव का गुरु देवता का मंदिर, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। सो गाइज एक और टास्क है, यहाँ से टॉप पुलिस लाइन टॉप पहुंचना है। पूरी खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं आप, सीधे खड़ी चढ़ाई है। बहुत टास्क है ये, देखिए मैं। जय गुरु देवता के, जय हो, जय हो। गौत होता है, इसको किस में रखते हैं? सो गाइस ये गौत है, जैसे इसमें इकट्ठा हो गया तो इसको किस में रखते हैं, इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। तो ऐसे इसको टीम तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद गाइस इसको भेज दिया जाता है कम फैक्ट्रीज में, वहाँ पर इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यह है गौत, देखिए इसमें दिख रहा है ये भरा हुआ है गौत से। सो मैं गाइस सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूँ वो बिग स्टोन। ये है वो बिग स्टोन गाइस, ये बिग स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है गाइस। ये देखिए, ओ माय गॉड, इसको देखने को मन कर रहा है गाइस। ये गाइस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है गाइस, देखो अल्टीमेट है गाइस, बहुत मस्त है बिग स्टोन। ये देखिए गाइस, ये बिग स्टोन है, बहुत मस्त, बहुत ही मस्त है। किसी ने इस पे अपना नाम भी लिखा है गाइस। तो ये कई वर्षों से, कई सौ साल से ऐसे ही खड़ा है। हमारे पुराने जो कई जो लोग हैं वो बताते हैं कि कई सौ साल से ऐसे ही खड़ा है, और इसमें कई चीज़ें हैं बोलते हैं वो। कोई लोग बोलता है अल्टीमेटली गाइस हमें आता है इतनी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। वो दिख रही उधर दूर नदी, नदी से हमें लगभग अप्रॉक्स ऐसे होंगे 25 बोर्ड्स के आसपास होंगे। सो ये सारा चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। सो अमेजिंग गाइस, ये जो चढ़ाई है इसको चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सो लवली लवली, सुबह हल्का फॉग है नदी को तो ज़्यादा है, अमाउंट इसका ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है नीचे। उधर एक लंबी सी चादर है कोहरे की। सो अमेजिंग, आई होप ये जो सीन है बहुत अल्टीमेट है। अब मैं लगभग टॉप पे पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत टॉप पे पहुंचने में क्या हो गई है। सो बिल्डिंग अपग्रेडिंग जो सिस्टम है गाइस, बहुत ही अजीब सा है। देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है। सो आई होप आप सबको ये जो नज़ारा है बहुत मस्त लगेगा। कोई आ भी रहा है गाइस अपनी चढ़ते हुए पहाड़े चढ़ाई को। सो गाइस अब तो बहुत बड़ा टास्क है, अब ये पूरी चढ़ाई चढ़नी है, बहुत टॉप पे जाना है, और हालत बहुत ख़राब होने वाली है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। सो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और जाना है टॉप में ऊपर, तब जाके पुलिस लाइन आएगी, यहाँ से पुलिस लाइन पहुँचना है। सो गाइस नीचे नदी है, नदी से अब हमें पहुँचना है पुलिस लाइन। तो और पूरी खड़ी चढ़ाई है, बीच में पेड़ ही पेड़ है, और अब निकलने वाली है वाट, वाट लगने वाली है। चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद, तो वहाँ से दिखाएंगे कितना नीचे से हम ऊपर आए आपको। क्या है कि गाइस अल्टीमेट में आप देख सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो गई है ये चढ़ाई को चढ़ के, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया चढ़ाई चढ़ के, और एक सुखद अनुभव हुआ ये चढ़ाई चढ़ने में। सो थोड़ा थोड़ा पांव दर्द कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल बहुत मस्त था। पसीना भी बहुत ज़्यादा है, पसीना हो रहा है, लगा लो कोहरा पड़ा है, ठंडक हो रही है, और पसीना हो जा रहा स्वैप, तो स्वैप तब भी इस ठंड में स्वैप इस चढ़ाई में हो जाएगी, चाहे कोई
कैसा भी हो यहाँ पर स्वैप होना लाजमी है, क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी है, वो भी खड़ंजा है। खड़ंजा बहुत मस्त है, आपको खड़ंजा दिखाता हूँ कैसा है। गाइस यार बहुत चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। हम मैं नदी से ऊपर को चढ़ रहा हूँ, ये अब जाना पूरा टॉप ऊपर, एक मंदिर आएगा उसके बाद ऊपर पुलिस लाइन पे पहुँचना है। तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर को खड़ी चढ़ाई है, और नीचे को आप देख सकते हैं, नीचे से आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अच्छा खासा तेल निकल जाता है इस चढ़ाई में चढ़ने में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अल्टीमेट यार जाड़ों में भी पसीने छूट जाते हैं इस चढ़ाई में, सो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा मैं ऐसे ऐसी वाली चढ़ाई भी चढ़नी चाहिए। वाह, तो बहरहाल जो भी है आपको मिलते हैं ऊपर, मिलके टॉप पे पहुंच के। ये देखिए गाइस, जो खड़ंजा है बहुत ही अजीब सा खड़ंजा है और खड़ा खड़ंजा है, इस पर चढ़ना होता है तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है क्योंकि खड़ा है बिल्कुल यार। तो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हुआ है। सो गाइस ओवरऑल मैंने चढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब मैं पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पे हूँ, 2-4 मिनट में मैं पुलिस लाइन पहुँचने वाला हूँ। सो आज ये ब्लॉग जो है पूरा वे आधारित है, वे पे ही गया है। चलो ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा गाइस। सो गाइस मैं तो अब लगभग पहुंच ही गया हूँ, मार्केट का क्या है आपको दिखाऊँ अभी, और तो ये ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं गाइस न्यू ब्लॉग पे आपको। सो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब को भी ना भूलना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। ये देखिए खड़ंजे की हालत क्या है कि बहुत अजीब सी हो रही है, कोहरा इतना ज़्यादा लगा कि 2 मिनट में कैमरा जो सब उसमें जो पानी उड़ रहा है कैमरा को ढक दे रहा है, उसकी जो भाव उस पड़ रही है तो शूट करना भी मुश्किल है, कोहरा ही कोहरा है बहुत ज़्यादा, और ठंड सी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडक भरी हवा चल रही है जो बहुत सारी ठंडक दे रही है, क्योंकि अब स्वैप होना, अब चढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो स्वैप